गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल. ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एमल सेगल सर. ये जो एक शॉर्ट केस आज शेयर कर रहा हूँ वो 5 साल पहले का केस है. जब दिवाली का टाइम था, स्कूल में वेकेशन चल रहा था, तो एक लड़के को, 12 साल का लड़का था, उसके पिताजी ने लेके आया था. ये लड़के को हाइपरहिड्रोसिस की तकलीफ थी. हाइपरहिड्रोसिस मीन्स उसके पाम्स और सोल्स में से बहुत पसीना आ रहा था. तो मैंने उसको पूछा, इसके वजह से आपको दिक्कत क्या होती है? तो बोला, लिखने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, एग्ज़ाम देता हूँ या पेपर वगैरह भी कुछ लिखता हूँ तो रुमाल हमेशा मेरे को साथ में रखना पड़ता है, नहीं तो मेरा पेपर ख़राब हो जाता है. फिर मैंने पूछा, आपके स्वभाव के बारे में बताओ, दिन भर क्या करते हो आप? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि साहब, अभी तो छुट्टी है, तो ये दिन भर मोबाइल में, लैपटॉप में बिजी रहता है. उसको मोबाइल में, लैपटॉप का हर फंक्शन उसको मालूम है, कहाँ पे वो सीखा भी नहीं, किधर ट्यूशन भी नहीं लिया, अपने आप ये सब सीख गया. तो मैंने लड़के को पूछा कि जो भी आपके पिताजी बोल रहे हैं वो सही है क्या? तो उसने मुंडी नीचे किया, बोला, हाँ सर, मुझे उसमें कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में बहुत इंटरेस्ट है और मैं उसमें ही आगे बढ़ना चाहता हूँ. फिर मैंने पूछा, आप पढ़ाई में कैसे हो और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तो उसने बताया कि पढ़ाई में तो इतना खास नहीं हूँ मैं, एवरेज हूँ, फेल नहीं होता हूँ कभी, लेकिन साइंस सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने पूछा, क्या करते हो, कैसे साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तो बोला, अभी वेकेशन है तो मैं और मेरे फ्रेंड्स दिन भर लैपटॉप पे रहते हैं, हम लोग एनिमेशन का करते हैं और तरह तरह से नया कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं, उसको सेव भी करके रखते हैं और हम लोग अलग अलग साइंस के प्रोजेक्ट भी बनाते हैं. फिर बोला, मुझे एस्ट्रो में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स थे उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं. इसके बाद में ये लड़के ने मुझे साइंस का बहुत सारा चीज़ बताया और हमेशा वो साइंस की बात करते रहता था. सो यहाँ से मैंने मेडिसिन लिया था. प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज. थैंक यू. जो फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया था कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल के बारे में, उसको बहुत सारा फंक्शंस मालूम है, अपने आप उसने सीखा भी है और उसमें उसको इंटरेस्ट भी है. तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया था कंप्यूटर्स लव 4. जो सेकंड रूब्रिक था वो तरह तरह का नया नया कैरेक्टर्स बनाता है, नई नई एक्टिविटीज़ करता है, साइंस का प्रोजेक्ट भी बनाता है, उसको सेव करके भी रखते हैं. तो सेकेंड रूब्रिक था एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब उसको हर टाइम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने को मन करता है और उसमें ही वो बिजी रहता है. जो थर्ड रूब्रिक्स उसने बताया, मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा बिजी रहते हैं कंप्यूटर में, मतलब उसके साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जो कॉमन इंटरेस्ट में है और सब लोग यही काम करते हैं. तो थर्ड रूब्रिक कंसिडर कर सकते हैं डिल्यूजन, फ्रेंड्स सराउंडेड बाय द फ्रेंड्स. द फोर्थ रूब्रिक जो मैंने कंसिडर किया था, फोर्थ रूब्रिक वो था कि हमेशा वो साइंस की बात कर रहा था और साइंस में ही उसको इंटरेस्ट था, साइंस सब्जेक्ट भी उसको अच्छा लगता था. तो यहाँ पे रूब्रिक है टॉकिंग साइंस ऑफ एंड द मेडिसिन गिवर वाज कैनाबिस इंडिका. थैंक यू. फॉर दोज हु आर न्यू टू द माइंड मेथड और आर इनटू जीपी प्रैक्टिस बट वांट टू स्टार्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस, HSH is bringing you a basic course of Applied Mind Method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of ₹500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Awadhia, phone number 9893805528. Thank you.